अलवर के एमआईए थाना अंतर्गत मीणापुरा स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज करीब 500 परीक्षार्थियों का बैच का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस पीके सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में परीक्षार्थियों ने पीके सिंह को सलामी दी और परेड का भी आयोजन किया गया। वाली है सुबह से अलवर के इस शानदार परेड ग्राउंड पर ये शानदार परेड का आयोजन जोरदार तालियों से पुलिस को सलामी दी है किया जाता है। इंदौर विश्व में सामान्य पुलिस व्यवस्था, संविधान, दंड न्याय अधिनियम, स्थानीय और विशेष। जय श्रीमान। दीक्षांत परेड संपन्न हुई, निष्कलंकण की आज्ञा प्रदान करें। वहीं बटालियन द्वारा अलग अलग कर्तव्य भी दिखाए गए, जिसमें मुख्य रूप से आग के गोले के अंदर से निकलना सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। अंत में मुख्य अतिथि अतिरिक्त महानिरीक्षक अपराध पीके सिंह ने अपने उद्बोधन में बताया, जो परीक्षार्थी पास हो गए हैं उनको अपने अपने तरीके से अपराध रोकने की बात कही और एक सच्चे और ईमानदार पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करने की नसीहत दी। नहीं, दीक्षांत परेड समारोह आज जो यहाँ पुलिस के प्रशिक्षुओं का था वो बड़ी लंबी ट्रेनिंग के बाद समाप्त हुआ और को इंडोर की, आउटडोर की, अलग अलग विषयों की जो ट्रेनिंग दी गई है बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई है और आज जो परेड जो उन्होंने दिखाई है मैं बिल्कुल अव्वल दर्जे की, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड था परेड, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था। और उसके बाद जो उन्होंने कौशल प्रदर्शन दिया और जो इंडोर आउटडोर में बच्चों को इनाम मिला वो भी बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का था, बड़ी अच्छी लगी। और मेरे ख्याल से काफ़ी मेहनत से परेड की तैयारी की गई है और जो फंक्शन किया गया बहुत अच्छा। जैसा आपने बताया अपराधी नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं और नेचुरली कम्युनिकेशंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर, सब तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पुलिस भी उसी तरीके से तत्पर है, तैयार है, अलग अलग अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, चाहे वो साइबर क्राइम की बात हो या फाइनेंशियल फ्रॉड्स की बात हो, बैंक फ्रॉड्स की बात हो, ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम बिल्कुल तत्पर हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं भी जुर्म हो तो जुर्म करने के पहले तो पकड़ना मुश्किल है जब तक कि जानकारी नहीं आ जाए, पर जुर्म करेंगे तो उनको अवश्य। से अलवर जिले के अंदर 2 तारीख को जो भारत बंद का आंदोलन हुआ था उसमें कलेक्टर साहब ने पुलिस को दोषी ठहराया है, उसमें ये कहा कि पुलिस पहले से तैयार नहीं थे, सर इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये तो वो बता पाएंगे क्योंकि उनकी बात आप कह रहे थे, वो बता पाएंगे जी। धन्यवाद। इस दौरान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट यशपाल त्रिपाठी ने अतिथियों का स्वागत किया और ट्रेनिंग कैंप के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन दिनेश शर्मा ने किया। कि भारत के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगा, तदनुसार एक पुलिस अधिकारी के रूप में कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं एक लोक सेवक की हैसियत से एवं उनके जीवन व संपत्ति की ईश्वर मेरी सहायता करें। जय हिंद। फॉर्मेशन में निकली पुलिस बैंड के धुन के साथ कभी क्विक मार्च कभी स्लो मार्च के साथ आपके समक्ष पूरे प्रशिक्षण का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तम सेवा